देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि 100 करोड़ के वसूली के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं होगा। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया है 100 करोड़ के वसूली का वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, उसका टाइमलाइन कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है, क्योंकि जिस दौरान ये आरोप लगाया था उस दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कोरोना पीड़ित थे और वो नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे। शरद पवार ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से जो ये मामला है जिसमें अंबानी के एंटीलिया वाले बंगले के बाहर जो कुछ मिला और उसमें जो दोषी था और जिस व्यक्ति की मनसुख की हत्या हुई, उस पूरे मामले की जांच मुंबई की एटीएस कर रही थी और उसने उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एक्यूज है, उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है। लेकिन बावजूद इसके एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस पूरे मामले को गृह मंत्री की तरफ मोड़ा जा रहा है। शरद पवार ने बार बार एक डॉक्यूमेंट दिखाया जो अस्पताल की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 15 जनवरी से 27 जनवरी तक के बीच में जो गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं वो कोरोना पीड़ित होकर नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे, उसका उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिखाया। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आरोप लग रहा है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए वो संभव नहीं है, क्योंकि ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इस सब के बीच आज संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। पिछले दो दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। एनसीपी की बैठक यहाँ शरद पवार के घर पे हो रही थी। इसके अलावा जो कांग्रेस और शिवसेना जो सहयोगी दल हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन आज शरद पवार के क्लीन चिट के बाद निश्चित रूप से फिलहाल अनिल देशमुख को एक लाइफलाइन मिली है, लेकिन कुछ वीडियोस भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है जिसमें अनिल देशमुख उसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94 47 84374 94 648। पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाह प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका इक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 788 045 85 588 38 617।